वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। आपको बता दें कि मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर बुद्धा टेंपल क्लेमन टाउन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के सभी संस्करणों में हमेशा समाज को जागरूक करने की बात की है, वहीं पर्यावरण को बचाने की बात भी की है। आज उन्होंने एक पेड़ लगाने का जो आह्वान किया है, निश्चित रूप से हमें उससे बहुत प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलेगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। मन की बात का हम सबके सामने रखा और उनके सारे संस्करण एक से लेकर 111 तक सारे संस्करणों में हमेशा उन्होंने समाज को जागरूक करने की बात, पर्यावरण को बचाने की बात की है, दूर क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की बात की है, महिलाओं के स्थान की बात की है, नौजवान युवाओं को आगे लाने का काम किया है। ऐसे कर्म होगी जो बरसों बरसों से अनुसंधान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उनको कोई देखने वाला नहीं था, उन सबको पूरी दुनिया के सामने लाने का काम किया है और आज उन्होंने एक पेड़ को लगाने का आह्वान किया है। निश्चित रूप से हमारे लिए इससे बहुत हमको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी और उत्तराखंड के अंदर जो हमारा पर्व आता है हरेला पर्व, उस हरेला पर्व का हम पहले से भी योजना बना रहे हैं और आज प्रधानमंत्री के आज के उद्बोधन के बाद हम लोग और नियोजित होकर एक व्यवस्थित होकर पूरे प्रदेश के अंदर जल संचय, जल संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण पर अधिकाधिक